हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग डॉट मेथड के बारे में बात करेंगे और ये पूरा यूजीसी नेट का जो यूनिट 9 है, सेकंड पेपर यानी ज्योग्राफी का जो यूनिट 9 है उसी का हम लोग देख रहे हैं। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के बारे में वहाँ पर आपका ये लिखा है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, ठीक, भौगोलिक तकनीकियाँ, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे ये आपका पूरा ग्रेड वन की परीक्षा के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, पीजीटी हो गया, ठीक, तो सभी परीक्षाओं में यहाँ से आपको निश्चित तौर पे प्रश्न मिल जाएंगे। जो तीनों मेथड हमने बताया है आपका, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ और डार्ट मेथड, ठीक। यदि आप अकेडमी की तैयारी कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने जा रहे हैं पीजी के लिए, तो वहाँ भी आपका ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक। तो कल काफ़ी लोगों की ये था कि जैसे उसमें जो मैं डिस्कशन करता था तो वहाँ पे ये लिख के नहीं करता था, बल्कि हम लोग डिस्कशन टाइप का ऐसे ही कर लेते थे, केवल टॉपिक का नाम मैं दे देता था पिछले कक्षाओं में, यानी पिछले दो लेक्चर्स में आपने देखा था। अब ये तीसरे लेक्चर में काफ़ी लोगों ने वहाँ पर बोला कि डायग्राम टाइप का बना के बताया जाए या उसमें लिख के बताया जाए डिटेल, तो आज हमने ये कोशिश किया, चूँकि ये अलग से लिखना पड़ता है और उस तरह से या तो बोर्ड पे आने के लिए थोड़ा सा ये समस्याएं हैं, इस समय कैमरा वगैरह नहीं है अच्छे वाले, तो इसलिए क्लियरिटी नहीं आती है। मोबाइल से हमने कोशिश किया था तो उतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आ रही थी, तो इस तरह से हम पीडीएफ के थ्रू जो है आप लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम कोशिश यही करेंगे कि आपका प्रैक्टिकल वाला जो यूनिट है उसको कोशिश करके कवर कराया जाए, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पे हम आगामी एक टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं जो ज्योग्राफी के पूरा 100 प्रश्नों पे रहेगा और ये पूरा फोकस रहेगा यूजीसी नेट जून का, ठीक, ज्योग्राफी का। और ये टेस्ट सीरीज जो है पूरा जितने लोग देखेंगे, ठीक, कमेंट में उनका स्कोर देखा जाएगा, दूसरे दिन इसका सॉल्व कराया जाएगा, ठीक, पहले दिन जो है, और साथ में इसका पीडीएफ भी वहाँ पे हम अवेलेबल करा देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो बनाया जा रहा है, ठीक, क्योंकि टाइप जो करते थे वो अवेलेबल है नहीं, इस वजह से टाइपिंग की थोड़ा सा समस्या आ रही है, तो ठीक, तो यहाँ पर या तो लिख के हम वहाँ पर टेस्ट सीरीज आपका मेनटेन कर देंगे या फिर टाइप करवा के, ठीक, जैसे ही पॉसिबल, जिस तरह से भी पॉसिबल होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग काफ़ी टाइम आपका ले लिया हमने, तो बिंदु मेथड या डार्ट विधि, डार्ट विधि ये आपका मात्रात्मक मानचित्रों में विवरण दर्शाने के लिए सबसे सरल, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी विधि मानी जाती है। इस विधि में पिछले लगभग एक शताब्दी से भी अधिक समय से इसका उपयोग होता आ रहा है, ठीक, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि जो आपके निरपेक्ष आंकड़े होते हैं, एब्सोल्यूट डेटा होते हैं, उसको दर्शाने के लिए इससे अच्छी विधि नहीं है मात्रात्मक में, ठीक। जैसे मान लीजिए कि मानचित्र पे आंकड़े आपको दर्शाना हुआ, तो इसमें क्या करते हैं कि उसमें डार्ट का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक जो भी डार्ट आपके पास रहेंगे या जो भी बिंदु रहेगा उसके लिए एक निश्चित वैल्यू मान लेते हैं, ठीक, जो भी आपको जिस भी एरिया का मानचित्र बनाना है तो उसमें जो भी वैल्यूज़ दिए होते हैं उस वैल्यू को एक निश्चित डार्ट के अंतर्गत शामिल करके उसका उपयोग किया जाता है, ठीक। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आंकड़ों को प्रदर्शन के लिए कौन सी विधि, बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे जनसंख्या हो गया, पशु, फसल, खनिज या उद्योग आदि का वितरण, ध्यान दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई यहाँ पर, ठीक, इनके वितरण की बात की गई है कि इनके वितरण को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आइए रचना की बात कर लें कि रचना कैसे की जाती है। तो रचना के लिए यहाँ पे देखिए कि बिंदु मानचित्र कोई भी आपको बनाना है तो ये बहुत ही सरल नहीं है, हालांकि हम लोग देखने में बहुत सरल लगता है लेकिन ये बहुत सरल नहीं होता है, इसे बनाने में जो है काफ़ी कठिनाइयाँ भी होती हैं, ठीक। कुछ प्रारंभिक कार्यक्रम हैं उसको देख लिया जाए कि पहले पहले क्या करना होता है बनाने के लिए। सबसे पहले तो मान लीजिए जिस एरिया का बनाना है उस एरिया का मानचित्र आपके पास होना चाहिए, वो भी प्रशासनिक मानचित्र, ध्यान रखिएगा, ठीक। और इसमें एक प्रशासनिक मानचित्र में मान लीजिए इकाइयाँ जितनी छोटी हों, प्रशासनिक इकाइयों का तात्पर्य मान लीजिए आप ब्लॉक स्तर पर ले रहे हैं या ग्राम स्तर पर ले रहे हैं, तहसील स्तर पर ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले रहे हैं, तो ये सभी प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं, तो इसमें जितना ही
छोटे स्तर से आप इसको बनाना चालू करेंगे आंकड़ों को लेके, उतना ही अधिक शुद्धता इसमें मिलेगी। ठीक, यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो निरपेक्ष अंकों में होने चाहिए, यानी एब्सोल्यूट फिगर होना चाहिए अंकों का, आंकड़ों का। ठीक, बिंदुओं को उचित स्थान पर लगाने के लिए आपके पास जो भी क्षेत्र है, मान लीजिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आप ले रहे हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास जलवायविक मानचित्र, मृदा मानचित्र और सिंचाई आदि जिस पे अंकित हों, उन सभी को उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, यानी कि प्रशासनिक मानचित्र आपको चाहिए चाहिए, इसके साथ इनका भी आंकड़ा उसमें प्रदर्शित होना चाहिए, इनका भी मानचित्र आपको उसके साथ चाहिए। ठीक, तो आपको ये आसान नहीं होता है इन सभी का मानचित्र कलेक्ट करना। ठीक, अब इसमें एक जो समस्याएं आती हैं बनाने में, ठीक, मानचित्र बनाने से पहले ही ये समस्याएं आ जाती हैं कि हमको क्या क्या करना है। पहली बात तो ये कि आपको डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ डॉट, यानी कि बिंदु का मान निश्चित करना होगा, और ये काफ़ी कठिन कार्य होता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि बिंदु का मूल्य निश्चित करने में कुछ बातों का भी ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है। ठीक, मानचित्र का निर्माता या मानचित्र निर्माता का अधिकांश कौशल इसी बात पर परखा जाता है कि उसने बिंदु का उचित मूल्य निश्चित करने में कितनी सफलता प्राप्त की है। यदि मान लीजिए बिंदु का मूल्य कम रखा गया, तो मानचित्र में सघन घनत्व वाले जो भाग हैं वहाँ पे अत्यधिक बिंदु हो जाएंगे, और संभव है कि वे क्षेत्र आपका जब ज़्यादा बिंदु हो जाएंगे तो काला प्रतीत होगा, और जो भी आप बिंदु वहाँ पे अंकित किए हैं वो स्पष्ट नहीं दिखेगा। ठीक, यदि मान लीजिए आप बिंदु का मूल्य ज़्यादा रख रहे हैं या उसके मान को बढ़ा दिए, तो उससे क्या होगा कि जो कम घनत्व वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे एक भी बिंदु नहीं लग पाएगा। जो कम एरिया मान लीजिए जहाँ पे वितरण एकदम कम है, ठीक, वहाँ पे बिंदुओं की मात्रा एकदम कम हो जाएगी, कहीं कहीं आपको नहीं तक मिलेगी। ठीक, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बिंदु का मान निश्चित करना। देखिए, बिंदु के मान निश्चित करने के लिए तीन बातें ज़रूरी होती हैं। एक आपका स्केल ऑफ द मैप, यानी कि जो आपका मानचित्र है उसका मापक निर्भर करता है कि यदि मानचित्र का मापक छोटा है तो बिंदु का मूल्य इस प्रकार से निश्चित करना चाहिए कि बिंदुओं की संख्या अधिक न हो जाए। ठीक, इस स्थिति में क्या होता है कि अधिक घनत्व वाले क्षेत्र काले हो जाएंगे और कम घनत्व वाले इलाकों में घनत्व दिखाई देगा। ठीक, वहाँ भी आपको घनत्व दिखाई देगा। दूसरा जो तरीका है आपका, ये रेंज ऑफ द डाटा। ठीक, रेंज ऑफ डाटा यानी कि न्यूनतम मात्रा में अंतर या अधिकतम तथा या जो आंकड़ों का परिसर है या आंकड़ों का परास है उसको भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। अर्थात कि जो बिंदु का मूल्य है उसको निश्चित करते समय अधिकतम या न्यूनतम मात्रा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यानी बिंदु का जो मान है इस प्रकार से आपको निश्चित करना पड़ेगा कि न्यूनतम घनत्व वाले क्षेत्रों को भी दो या तीन बिंदु कम से कम लग जाएँ। ठीक, मान लीजिए जो अधिकतम घनत्व वाले हैं वहाँ पे बिंदु आपस में न मिलें, इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक, अब तीसरी जो समस्या आती है वो आपका टाइप ऑफ एलिमेंट टू बी शोन, यानी कि जो आपके प्रदर्शित किए जाने वाले तत्व हैं उनका प्रकार कैसा है, यानी कि जिस बिंदु का आप मान निर्धारित कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें जो तत्व के प्रकार पे भी वो काफ़ी हद तक निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए गाय या भैंस का वितरण दर्शाना है तो उसके लिए बिंदु का मूल्य भेड़ या बकरी आदि के वितरण को दर्शाने वाले मूल्य से हमेशा ही कम होता है। इसका कारण ये है कि किसी भी क्षेत्र में जो गाय भैंस आदि हैं, ठीक, उनके चरने की संख्या भेड़ बकरियों से सदा कम होगी, होगी कि नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास एक भैंस है एक गाय है, ठीक, लेकिन उसके पास बकरी एक नहीं होगा, कम से कम 4, 5, 10 इस तरह से बकरी होगा, तो इसलिए बकरियों की संख्या सदैव गाय और भैंसों की संख्या से, यानी उनका जो मूल्य है उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो इसलिए मान लीजिए आप गाय या भैंस का वितरण दर्शाने के लिए मूल्य 100 रख रहे हैं तो भेड़ और बकरियों का मान के चलिए कि 400-500 आपको रखना पड़ेगा। ठीक, अगला जो समस्या आती है वह है बिंदुओं का आकार। ये तो मान निश्चित करने में तीन समस्याएं आपने देखा,
कि मापक की माप, आंकड़ों का परास, टाइप ऑफ एलिमेंट टू बी सोन, यानी कि प्रदर्शित किए जाने वाले तत्वों का प्रकार, जो भी तत्व वहाँ पे हैं उसके अनुसार भी बिंदु को के मान को निश्चित करने की समस्या यहाँ पे आएगी। ठीक, अगला है बिंदु का आकार, साइज ऑफ डॉट्स। साइज ऑफ डॉट्स में है कि बिंदु मानचित्र की रचना के संबंध में सबसे बड़ी समस्या यही आपकी आती है कि आकार उसका कितना निश्चित किया जाए। मान लीजिए कि आपको डॉट लगाना है, इतना पॉइंट इस तरह से, यहाँ पे देखिए डॉट तो एकदम सेम डॉट लगेगा जो आपका इस पे करना है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को आर्टिफिशियल उस तरह से लगाना पड़ेगा, पेन या पेंसिल से लगाना पड़ेगा। यदि आप कंप्यूटराइज तरीके से लगाएंगे तो डॉट तो सेम होगा, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि बिंदु बड़े हो गए तब भी दिक्कत है, छोटे हो गए तब भी दिक्कत है। ठीक, तो मॉन्कहाउस महोदय ने इस संबंध में एक विचार दिया था। उनका ये मानना था कि जब बिंदुओं की सघनता बहुत अधिक हो जाए और बिंदु आपस में मिलने लग जाएं, तो ऐसे क्षेत्रों को गहरे रंग या काली पट्टी से ढका जा सकता है। ठीक, तीसरी जो समस्या आती है, बिंदु का अंकित करना या लगाना। ये भी एक बड़ी समस्या आती है कि बिंदु को कहाँ पर अंकित किया जाए, कहाँ लगाया जाए। ठीक, मानचित्र पे जो भी बिंदु है उसको लगाने के लिए कि बिंदु को केवल उन्हीं स्थानों पे लगाना चाहिए जहाँ पे प्रदर्शित किए जाने वाला तत्व वास्तविक रूप में पाया जाए। ठीक, यदि वास्तविक रूप में वहाँ नहीं पाया जा रहा, कहीं आप और लगा रहे हैं, तो उससे ये मानचित्र आपका गलत हो जाएगा, उस क्षेत्र का प्रदर्शन नहीं करेगा। ठीक, अगला है कि एक समान बिंदु बनाना। जो आप ड्रा कर रहे हैं ड्राइंग यूनिफॉर्म डॉट्स, यानी कि जो आप डॉट बना रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मानचित्र की रचना में सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि जो भी आप बिंदु लगा रहे हैं उसका साइज भी सेम होना चाहिए, यानी आकार भी वो समान आकार के होने चाहिए। ठीक, ना तो वो गोल होने चाहिए बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि वो बिल्कुल गोल होने चाहिए, जो भी बिंदु आपका एकदम बिल्कुल गोल होना चाहिए। मान लीजिए कुछ नहीं गोल हो पाए तो भी आपका दिक्कत होगी। इसके लिए आपको जो बाल पॉइंट निब आती है, बाल पॉइंट पेन आती है, ठीक, उसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, UNO जो है इसी बाल पॉइंट निब का या डॉटिंग निब का यूज करता है अपने मैप को बनाने में, जो भी UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके लिए यूज करता है। ठीक, या कभी कभी पंचिंग मशीन का भी उपयोग कर लिया जाता है, काले रंग के कागज़ में काटे गए जाते हैं ये। ठीक, और उसको मानचित्र में जहाँ पे भी लगाना है उसी स्थान पे क्या करते हैं, चिपका देते हैं। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया कि रचना कैसी होगी, समस्या क्या आएगी। ये हमारी परीक्षाओं के लिए, UGC नेट के लिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं, वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। ठीक, लेकिन अन्य परीक्षाएँ, मान लीजिए आपका ग्रेड 1 देने जा रहे हैं आप या असिस्टेंट प्रोफेसर देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये समस्या उत्पन्न कर सकता है। अगला है मल्टीपल डॉट मेथड। ठीक, मल्टीपल डॉट मेथड इसी में है आपका, कुछ समस्याएं यदि आ जाती हैं तो इसके लिए इनका यूज किया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी बिंदु है, बिंदु विधि है, तो उसमें ज़्यादा शुद्धता लाना है या स्वच्छता लाना है, विविधता लाना है, तब वहाँ पर आपका मल्टी डॉट मेथड यानी बहुविधि बिंदु का विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें मान लीजिए कि यदि स्त्री पुरुष का वितरण दिखाना है, नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या का वितरण दिखाना है, छोटे कारखाने आदि को दिखाना है, तब यहाँ पे मल्टीपल डॉट मेथड का यूज किया जाएगा। क्योंकि स्त्री पुरुष के आंकड़े में अलग अलग आंकड़े आपको दिखाने होंगे, मान लीजिए एक डेटा बड़ा आपको करना होगा, एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, उसमें अलग से नाम लिखना पड़ेगा, ठीक, साइज के हिसाब से। तो इस तरह से आपको ये मल्टीपल डॉट मेथड यूज किया जाता है। ठीक, मल्टीपल डॉट मेथड में भी मल्टीपल कलर्ड डॉट्स भी आते हैं, इसमें भी आपका विभिन्न फसलों या स्त्री पुरुषों की संख्या को दर्शाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और इसमें केवल उन्हीं फसलों को दर्शाई जाती है, यानी मल्टीपल जो मल्टी कलर्ड डॉट्स हैं इसमें उन्हीं को दर्शाया जाता है जहाँ पे फसलें अलग अलग दिखाई दें। अलग अलग दिखाने से तात्पर्य है कि उनमें निरपेक्ष आंकड़े हों, एक दूसरे से वो ओवरलैपिंग न करते हों। जैसे गेहूं का खेत है, ये धान का खेत है,
अब ये एक दूसरे से मान लीजिए ओवरलैपिंग नहीं है गेहूँ, तो किसी अन्य का खेत मान लीजिए है, तो जैसे आप मटर बोए हैं, ठीक, मटर की बुआई किए हैं, उसमें आप सरसों भी कर देते हैं, चना भी लगा देते हैं, तो ये मल्टी इसमें हो जाते हैं, और कहीं कहीं आपका एक दूसरे से मिल भी जाता है, तो ये आपका ओवरलैपिंग करता है। तो ओवरलैपिंग में ये आपका यूज नहीं होता, मल्टी डॉट मेथड यूज नहीं होता ओवरलैपिंग में, ठीक। अब अगला जो बात आती है कि मानचित्र में दर्शाने के लिए जो आपका आकार है ये भी निश्चित करना ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमें दिल्ली, फरीदाबाद और उनके आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं उसकी जनसंख्या का को एक ही मानचित्र पे दिखाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, दिल्ली की जनसंख्या को सबसे बड़ा कर लीजिए, फरीदाबाद का उससे छोटा कर लीजिए, और उसके जो ग्रामीण इलाके हैं उसको और छोटा कर लीजिए। इस तरह से दिखाने पर आपको पता चल जाएगा दिल्ली की जनसंख्या कहाँ पर है, फरीदाबाद की कहाँ है, और छोटे ग्रामीण इलाकों की, ठीक। अब यहाँ तक आपने देखा कि कैसे बनाते हैं, कौन सी और विधि का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं उसके गुण, यानी उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, यानी उसके प्रॉफिट और लॉस को देख लेते हैं कि आखिर इसकी क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं इसकी एक प्रमुख ये है कि यह सभी विधियों में अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि यह वितरण को शुद्धता से प्रदर्शित करती है, और बिंदुओं का वितरण वस्तुओं के वितरण के समान इसमें दिखाई देता है। जैसे भी वस्तु का वितरण है उसी हिसाब से बिंदुओं के वितरण को प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि वितरण में शुद्धता। निरपेक्ष आंकड़ों के लिए ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, ठीक। बिंदु से बनाए गए मानचित्र में विजुअल इफेक्ट अधिक होते हैं, यानी कि आप इसे देख के बता सकते हैं, तो यानी कि ये विजुअल इफेक्ट इसमें अधिक होता है, जिससे ये ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। अगला है कि बिंदु को गिनकर पुनः आंकड़े की प्राप्ति किया जा सकता है, ठीक, जो भी यहाँ पे बिंदु दिए जाते हैं इसको, ठीक। अगला है कि इसमें वर्णमात्री विधि की तरह, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोरोप्लेट मेथड की तरह इसमें बार बार संकेत को नहीं देखने की आवश्यकता पड़ती, यानी जो भी यहाँ पे इंडिकेट्स किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, बार बार यहाँ पे देखने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार बिंदु को प्रदर्शित कर दीजिए तो वो आपका यहाँ पे प्रदर्शित आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जनसंख्या वितरण आपको दिखानी है, तो मान लीजिए एक डॉट इज इक्वल टू 200,000 व्यक्ति कर दीजिए, तो यहाँ पे मान लीजिए कहीं भी दिखाना होगा तो आपको एक डॉट के बराबर 200,000 व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे हो जाएगी, ठीक। तो इसी तरह जितने डॉट हैं उतने डॉट से उतने लाख व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी, यानी कि बार बार संकेत भी नहीं और बिंदु को गिन के आंकड़ा भी मिल गया, ठीक। अब इसके कुछ दोष भी हैं, उसको भी देख लिया जाए। पहला तो ये कि आपको डॉट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, यदि प्रैक्टिस नहीं है तो आप मैप नहीं बना सकते इसका, ठीक। दूसरी बात यह है कि जब इसमें मान लीजिए जनघनत्व को दिखाना हो गया, कृषि भूमि या कुल भूमि अनुपात दिखाना पड़ गया, ठीक, तो इसको दिखाने के लिए यह असमर्थ है, यानी एब्सोल्यूट फिगर को ही केवल ये दर्शा सकता है, निरपेक्ष अंक ही केवल ये दर्शा सकता है, जबकि रिलेटिव डेटा यानी कि सापेक्षिक आंकड़ों को ये नहीं दे सकता, ठीक। ओके, नेक्स्ट आइए, प्रशासनिक मानचित्र के अलावा यहाँ पे जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि मानचित्रों की भी आवश्यकता होती है। मृदा मानचित्र हो गया, तो सभी मान लीजिए जलवायु मानचित्र या प्रशासनिक इकाई वाले मानचित्र आ गए तो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन धरातल का उच्चावच हो गया, किस तरह से कौन सी क्लाइमेट पाई जा रही है, कौन सी मृदा है, कौन सी वनस्पति है, ये सभी आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, ठीक, इसलिए इसमें समस्याएँ आनी पड़ती हैं। अगला है, बिंदु द्वारा मानचित्र पर घेरा गया क्षेत्र भूमि के जो वास्तविक क्षेत्र है उसका लगभग 2 से 5 गुना अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, ये समस्या आपको जब मैकमोहन रेखा खींची जा रही थी, जो खींची गई थी, ठीक, उसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आपका मैप पे ये भी रेखाएं खींची गई थी भारत और चीन के मध्य जो विवादित रेखा है मैकमोहन, ठीक, तो इसमें हुआ ये था कि जो मैप पे मैकमोहन महोदय ने जो मैप पे ड्रा किया था लाइन, तो ये लाइन लगभग आपका वास्तविक क्षेत्र पे 2 से लेकर 5 किलोमीटर की दूरी
को प्रदर्शित कर रही थी। तो अब मान लीजिए कि किसी एक बाउंड्री जो बनाई गई है, सीमा, देखिए दो बाउंड्री और जो आपका बॉर्डर, सीमा और सीमांत दो होते हैं, बाउंड्री और फ्रंट, तो दोनों में अंतर होता है सीमांत और सीमा में। ठीक, सीमांत का मतलब ये यदि इसे कहा जाए तो ये आपका सीमांत हो जाता है, बीच में जो एरिया रहता है। ठीक, और यदि मान लीजिए जैसे मैक्सिको और अमेरिका का ले लीजिए, ठीक, तो ये एक दूसरे से जो तुरंत तुरंत साझा कर रहे हैं तो ये आपका जो बाउंड्री कही जाएगी, सीमा कही जाएगी। ठीक, और ये सीमांत कहे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो वास्तविक क्षेत्र है उसको यदि मान लीजिए डॉट इतना दिखा दिए, अब डॉट यहाँ पे दिखाने के पैमाना जो दूसरा है, और वहाँ पे मान लीजिए मैकमोहन महोदय ने जो खींचा, तो इसीलिए वो आज भी विवाद का ही विषय बना है। बार बार वो कहता नहीं हमारा यहाँ तक था, फिर हालांकि कई उसमें और अन्य चीज़ें भी शामिल हैं। ठीक, भारत और चीन सीमा विवाद, इसको हम लोग देखेंगे जियोपॉलिटिक्स में, तो वहाँ पे कि कई फैक्टर्स इसमें काम करते रहते हैं। और जियोपॉलिटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, अच्छा लगेगा। ठीक, उसका पूरा बैकग्राउंड हम लोग देखते हुए चलेंगे, फिर वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 2 से 5 गुना अधिक होता है, इसलिए ये समस्या आ जाती है। नेक्स्ट है छोटी छोटी इकाइयों के आधार पर आंकड़े न होने पर भी इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि छोटे स्तर पे आप डॉट मेथड का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आंकड़े उपलब्ध रहते नहीं उतना, तो इस विधि का उपयोग नहीं हो सकता वहाँ पे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आएगा, तो अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक, इसी तरह से हम कोशिश करेंगे, और जहाँ भी आपको कोई समस्या लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, थैंक यू।